श्रद्धा से बिल्व पत्र चढ़ा रहे थे, दो पंडित जी वहां पर खड़े थे। पंडित जी अंदर अंदर कुछ बातें कर रहे थे और दरवाजे के बाहर एक काला पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े सिंह लगे थे, काला छाया पुरुष जैसा लग रहा था। दो आदमी वहां ऐसे काले काले खड़े थे। एक पंडित जी ने दूसरे को पूछा, वो कौन है बाहर खड़े है? दूसरे पंडित जी ने कहा, अरे ये तो काल की नगरी है, यमदूत है ये। बोले यहां क्यों? बोले किसी को लेने आए होंगे, आज किसी की मृत्यु होगी। तो पंडित जी ने कहा, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले भाई ये महाकाल का मंदिर है और काल उसका क्या करे जो भक्त हो। महाकाल का महाकाल की नगरी में, महाकाल के मंदिर में काल कभी आता नहीं। और ये बात उस मार्कंडेय ने सुन ली, निश्चय हो गया कि बाहर जाऊंगा तब मरूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, अंदर हूं तो मैं सुरक्षित हूं। जब तक जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा है तब तक वो सुरक्षित है। और जिस दिन उसने वो नाता तोड़ दिया, असुरक्षित हो जाता है। एक बार अमेरिका का एक कुत्ता गाड़ी में बैठ के जा रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण, एक अच्छी गाड़ी थी, बहुत मतलब जो भी सबसे अच्छा मॉडल हो आप मान लीजिए, उसकी फरारी, चलो फरारी गाड़ी में एक कुत्ता जा रहा था। तो एक गांव से निकला, तो एक गांव से वो गाड़ी निकली और गाड़ी गांव में जाके खड़ी हुई। और जो मालिक था वो उतर के उनके संबंधी को मिलने गया और थोड़ा दरवाजा पीछे का खोल के, तो कुत्ता उसके अंदर से मुंह बाहर निकाल के देख रहा था आसपास। उसमें गली के दो कुत्ते आए, ओ ये तो लग तो अपने जैसा लग रहा है भाई। कई समय तक उनको देखते रहे और बाद में पूछा, जय श्री कृष्ण? तो उसने रिप्लाई किया उनकी भाषा में, उनकी भाषा तो वही जाने। तो बोला, अब तो लग तो हमारे जैसे लग रहा है, परंतु है तो हमारी नात के ना। बोले हाँ। बोले तुम भी हमारी तरह भौंकते हो? बोले हाँ। अच्छा तुम्हारी भी पूछ हमारी तरह गोल गोल? हाँ बिल्कुल। ओ तो मतलब तुम खाते क्या हो? बोले मैं तो सुबह बढ़िया दूध बिस्किट और अच्छा अच्छा खिलाते हैं, सब खाते हैं। उसने भी पूछा, तुम क्या खाते हो? बोले हमको तो जो मिल जाए वो खाते हैं। दोपहर में 12 बजे के बाद में चाट में आता, एक चाट बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में तो पता नहीं। एक गांव के बीच में एक ऐसी जगह होती है, वो पूरे गांव खाने के बाद जो ऐंठवान बचता है वो उसमें डालते हैं। बोले ज्यादातर तो खट्टा ही आता है खाने में। बोले जैसे कृष्ण, स्वाद का तो पता नहीं परंतु जो मिलता है हम खा लेते। बोले अच्छा तो आप स्नान वगैरह? हमको तो हाँ भाई, बहुत अच्छे से स्नान कराते, साबुन शैम्पू कभी कभी तो बाहर भी ले जाते हैं नहलाने के लिए। बोलो जैसे कृष्ण, नाखून कटवाने भी ले जाते हमको तो। तो बोले भैया बुरा मत मानना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता तुम कहा, तुम्हारे भाग्य में इतना सारा और हमारे भाग्य में तुमने जो बोले उसमें से कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? उसने एक ही प्रश्न किया, तुम्हारा कोई मालिक है? गांव वाले कुत्ते ने मना कर दिया। बोले मेरा मालिक है इसलिए सुख है, मैं मेरे मालिक से जुड़ा हूं इसीलिए मुझे सब सुख जीवन में मिला, और जिसका कोई मालिक नहीं है साहब वो दर दर भटकेगा परंतु जीवन में कभी वो सुख नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में एक मालिक चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास हमारा सर झुका हो, जिसके पास हमारा नाता हो। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो, देवता अलग अलग है, जिसको जो देवता अच्छे लगे। हमारे शिवमहिम्न स्तोत्र में बड़ा एक सुंदर श्लोक बताया गया, कहा गया कि रुचि नाम वैचित्र्यात् दृजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसाम अर्णव इव त्रैसांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। अलग अलग प्रकार के पथ बताए, कभी शैव मार्ग, कभी वैष्णव मार्ग, कभी सात्त मार्ग,
अलग अलग प्रकार के देवता, जिसको जो देवता अच्छे लगे उनके साथ उनका नाता होना चाहिए। जो परमात्मा से जुड़ा है उसको दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जुड़े रहने के लिए दो चीज चाहिए, बोलो जैसे कृष्णा। कुत्ते को भी दो चीज चाहिए, सबसे पहला है गले में पट्टा। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, उसको मान लेते हैं कि ये कोई मालिक का है। उसी तरह हमारे गले में भी एक पट्टा होना चाहिए, और वो है हमारे गुरु की कंठी। जिसके गले में कंठी है समझो वो कहीं जुड़ा है। और यहां तो कंठी रोज बदलती है, बोलो जैसे कृष्ण। एक कंठी हो परमात्मा की, चाहे तुलसी के हाथ में पहनो चाहे गले में पहनो, पर यदि आप भगवान नारायण के प्रेमी है तो एक तुलसी की माला जरूर पहनो। भगवान शिव के यदि भक्त है तो एक रुद्राक्ष जरूर पहनो। और हम ये अमेरिका आने के बाद तो सब इंडिया का सस्ता लगता है, बोलो जैसे कृष्णा। तो बराबर सोने चांदी में बना बना कर पहनना चाहिए, पर पहनना चाहिए या रुद्राक्ष या तुलसी, जो प्रिय हमको हो वो अपने पर है, पर जुड़ा होना चाहिए। मार्कंडेय समझ गए कि यदि मैं महाकाल से जुड़ जाऊंगा, यहां मंदिर से बंधा रहूंगा, तो किसी की ताकत नहीं है मुझे यहां से कोई लोक में या मृत्यु मुझे आ जाए। दिन भर मार्कंडेय उस मंदिर में रहे, सायंकाल हो गया, मंदिर बंद करने का समय हुआ। पंडित जी ने कहा, ओए मार्कंडेय निकलो बाहर, मंदिर बंद करना है। मार्कंडेय ने सोचा बाहर जाऊंगा तो जैसे कृष्ण हो जाऊंगा, बाहर निकलना ही नहीं है। पंडित जी, नहीं नहीं यहीं बैठ के जब करना है भाई, जब करना है जो करना है घर जाके करो, अब समय हो गया, मंदिर बंद करना है। मार्कंडेय को एक बार कहा, दो बार कहा, मार्कंडेय नहीं माना। पंडित जी ने हाथ पकड़ के जब खींचने लगे तो उसका हाथ छोड़कर जोर से मार्कंडेय ने महाकाल के शिवलिंग को अपनी बाहों में ले लिया। क्या हुआ भाई, ये सब क्या कर रहे हो? महादेव 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 करता हुआ रोने लगा, और आंखों की अश्रु धारा महादेव के शिवलिंग पर गिरी। सब एक 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 बूंद जब महादेव की मूर्ति पर गिरी तो महादेव प्रसन्न होने लगे। सज्जनों ध्यान देना, ईश्वर की सबसे बड़ी स्तुति शब्द नहीं है, ईश्वर की सबसे बड़ी स्तुति धन नहीं है, ईश्वर की सबसे बड़ी स्तुति शास्त्राध्ययन नहीं है, ईश्वर की सबसे बड़ी स्तुति है आंख के आंसू, जो सरलता से नहीं आते। रोने के लिए भी ताकत चाहिए, रोना ये परमात्मा की स्तुति है। श्रीमद् भागवत में एक नहीं अनेक भक्तों ने स्तुति की, उसमें सबसे ज्यादा उत्तम स्तुति ध्रुव की है, छोटे बालक की। क्यों? अब जब भागवत का अध्ययन करेंगे, मूल स्तुति को देखेंगे, तो सबकी स्तुति में एक ही बात है गोल गोल घुमा के बताई है, तुम निर्गुण हो, तुम निराकार हो, तुम ये हो, तुम जगत के आधार हो, यही से बातों को अलग अलग शब्दों में कहा गया। पर फिर भी ध्रुव की स्तुति को सबसे उत्तम कहा। क्यों? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, ध्रुव ने जब भगवान नारायण का साधन, नारायण की साधना की, भगवान नारायण के मंत्र जाप किए, उपवास किए, एक पैर पे खड़ा हो गया, हाथ ऊपर करके सांस लेना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, तब भगवान नारायण सामने आ गए। जब परमात्मा सामने आए, आंख खोल के भगवान को देखा, कुछ नहीं बोल रहा है, बस रोने लगा। परमात्मा ने सोचा क्या बात है, आज तक किसी ने ऐसी स्तुति नहीं की। ध्यान दीजिएगा, भगवान की स्तुति करने के लिए हमें अच्छी जीभ चाहिए, अच्छा मुंह चाहिए। जीभ बोलती है पर जीभ को कुछ पता नहीं है, बोलो जैसे कृष्ण। जीभ को कुछ पता है? जीभ को पता तब चलता है जब उसके ऊपर कुछ कुछ स्पर्श किया जाए, टच किया जाए। जीभ को स्वाद तब आता है जब स्पर्श होता है, और आंख को दिखता है पर आंख बोल नहीं सकती। जिसको दिखता है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है उसे कुछ दिखता नहीं। मतलब जीभ तो ऐसे ही बोल रहे, उसको सही में कुछ नहीं पता है। भगवान ने सोचा क्या बात है, आज तक लोग जीभ से बोल रहे थे, जीभ को तो कुछ पता ही नहीं है, आज मेरे भक्त की आंख बोल रही है, जहां से मेरा भक्त देख रहा है वहीं से बोल रहा है, मतलब आंख से आंसू निकल रहे। और भगवान ने तुरंत एक शंख लेकर
उनके आंसू को अपने शंख में भरने का एक प्रयास किया और शंख को ध्रुव महाराज के गाल पे लगाया और जैसे ही लगाया स्पर्श हुआ जीभ को पता चल गया। इसलिए जीभ ने बोलना शुरू किया, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां, भगवान की स्तुति की। मेरा कहने का तात्पर्य उत्तम स्तुति भगवान की आंख से है, अश्रु से। इसलिए मुझे तो अनुभव है, शायद आपको भी होगा, हम जिस भगवान को बहुत मानते हैं और सही में उस भगवान के प्रति हमको बहुत श्रद्धा है, जब हम उसके मंदिर में जाते हैं तो हमें कोई श्लोक याद नहीं आता। वहां मुहूर्त हो न हो बस हम रोते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मेरे तो बहुत ऐसा अनुभव है। वैष्णो देवी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, हमारे कुलदेवी बहुचरा जी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सब बड़े बड़े मंदिरों में जाओ साहब आप। बाकी मुझे याद है, मैं वैष्णो देवी के मंदिर गया, मुझे आधे से ऊपर चंडीपाड़ याद है, बोलो जय श्री कृष्ण, हजारों श्लोक याद है हमें माँ की स्तुति की। ये कोई ना आए तो याद है, सर्वभूतेषु सबको आता है। पर अब जैसे वैष्णो देवी के मंदिर में प्रवेश करो मन बंद हो जाता है, माइंड काम ही नहीं करता, बस माँ को देखते हैं, कुछ बोलना समझ नहीं आता। बाहर खड़े खड़े बहुत भी सोचते हैं कि ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, माता जी को कहूंगा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अंदर जाके सब भूल जाते हैं। उनको देखते हैं आंख से आंसू बहते हैं और एक क्षण में हम बाहर निकल जाते हैं। ये है परम स्तुति। आज मार्कंडेय ने अपनी छाती से, अपने गले में, अपने हृदय से लगाया महाकाल को और अपनी आंख के अश्रु से, अश्रु धारा से महादेव का अभिषेक किया और महाकाल प्रसन्न हो गए। माँ को मार्कंडेय, बेटा क्या चाहिए, आज आपने उत्तम पूजा की है मेरी, बोलो क्या चाहिए। मार्कंडेय ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों बेटा, आपने पूजा की, कुछ तो मांगो। अब ध्यान दीजिए, मांगने के लिए भी सीखना है तो मार्कंडेय के पास से सीखिए। क्या मांगा, हमारे जैसे कोई होते तो पहले हमारे बारे में सोच के हमारे लिए मांगते। मांगने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे कहीं सुना था मैंने, एक बहू और एक सासू थे, बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में, दिखावे का, बोलो जय श्री कृष्ण। अब बहू ने बड़ी साधना की भगवान की और परमात्मा प्रसन्न हो गई। कहा मांगो बेटा क्या चाहिए, तो उसने कहा प्रभु मुझे 3 वरदान दीजिए। भगवान ने कहा भी होशियार लगती है, सब सोच के आइए। भगवान ने कहा 3 वरदान दूंगा परंतु एक सर जितना तुमको दूंगा उससे डबल तुम्हारी सासू को मिलेगा। भगवान ने सोचा बस अब ये कुछ नहीं मांगे, पर वो तो बड़ी होशियार थी। भगवान को कहा प्रभु मुझे संपत्ति दीजिए बहुत सारी। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, तुमको जितनी उससे डबल तुम्हारे सासू को, कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा शायद दूसरा वरदान नहीं मांगे, उसने दूसरा भी मांगा, भगवान मुझे बहुत सुंदर बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु जाओ, वो सुंदर हो गई, उससे डबल उसकी सासू और सुंदर। भगवान ने सोचा आप तीसरा क्या मांगेगी, तो उसने तीसरा वरदान मांगा, भगवान एक छोटा सा हार्ट अटैक मुझे दीजिए, छोटा सा। भगवान ने कहा क्या बात है, जाओ तथास्तु, तुम्हें छोटा और 4 गुना तुम्हारी सासू को, वो भगवान के घर, बोलो जैसे कृष्ण। क्या बात है, देखिए मांगने मांगने भी आए, कितना अद्भुत दिव्यता है। मार्कंडेय ने मांगा भगवान मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, रोते हुए कहा परमात्मा मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे चिंता मेरे माँ बाप की है, मेरे बाप, मेरे बाद मेरे माँ बाप का कौन। एक माँ बाप का सहारा उसका पुत्र होता है। दुनिया देखा है, दुनिया में देखा जाता है जब बाप और माँ मर जाते हैं तो उसकी अर्थी लेकर जाने वाला उसका पुत्र होता है या उसके जमाई होते हैं या उसकी लड़की होती है। परमात्मा विचार करिए, मैं मर जाऊंगा और मेरी अर्थी मेरा बाप उठाएगा तो क्या दशा होगी। बस मुझे मेरे पिता की चिंता है, मेरी माँ की चिंता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो मेरी माता और पिता को सदगति प्रदान करिए। महादेव ने मार्कंडेय को गले लगा लिया, बेटा आज तक मां बाप के लिए किसी ने कुछ नहीं मांगा था,
ऐसे पहले भक्त हो जिसने माँ बाप के लिए मांगा, जाओ मेरे आशीर्वाद है, काल तो क्या मृत्यु तो क्या, तुम्हारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं वचन देता हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, हजार नहीं, जब तक ये जग रहेगा तब तक तुम चिरंजीवी बन जाओगे, आजीवन तुम महादेव की पूजा करते रहोगे। और चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। अभी तक केवल सात चिरंजीवी इस दुनिया में थे और आठवें मार्कंडेय हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमान च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सात चिरंजीवी थे अश्वत्थामा, मार्कंडेय, व्यास, बलि, विग्रह, और ये मार्कंडे आठवें चिरंजीवी हो गए। मार्कंडेय तथाष्टमं चिरंजीवी हो गए। परंतु चिरंजीवी होने के बाद उन्होंने इस दुनिया का भोग नहीं भोगा, पूरा जीवन उन्होंने महाकाल के चरणों में लगा दिया। महाकाल की सेवा करते रहे, क्षिप्रा में स्नान करते रहे, महादेव की पूजा करते रहे, एक 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 अनेक अनुष्ठान करते रहे। और अपनी आंखों से उन्होंने महाकाल के मंदिर में आते हुए दुखी को देखा और मंदिर से निकलते हुए उनके सुख को भी मार्कंडेय ने देखा।